और यहाँ अच्छी बात आपको ये है कि जौहर की तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको इतनी नहीं मिलेंगी यहाँ। अच्छा यहाँ यह है कि जौहर की भी फूड स्ट्रीट ज़बरदस्त है। मैं वहाँ रिकमेंडेशन इसलिए नहीं होती कि आप अगर वहाँ जाएँ बुलान सिटी वाली था तो मेन रोड पे आपने यार रोडों पे बैठा के आप खिला रहे हो, पैसे आपके इतने हैं, पैसे आप जो ले रहे हो पैसे सारे आप वो ले रहे हो कौन से एसी वाले, टैक्स भी लगा रहे हो और लोगों पे वो रोड पे बैठा के खिला रहे हो। यार मैं तो ऐसी स्ट्रीट को रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा कि जो आपसे पैसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं और साथ साथ आपको रोड पर बैठा के खिला रहे हैं और जगह ही नहीं मिल रही है आपको, जलील बुखार हो रहे हैं, तो ऐसी ज़िल्लत का खाना खाने से बेहतर है। अच्छा ऐसा खाना जो कि आप पैसे नहीं खा रहे हो, जैसे ज़िल्लत का खाना खाने से बेहतर है कि यार आप घर में बैठे खा लो अपना, और अगर बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है तो फिर मूव करके कहीं और चले जाओ। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है, आप वोट करें कि आप कौन सी पुलिस को बेस्ट करते हैं, हुसैनाबाद, तौरंगी, नाजमाबाद, हुसैनाबाद या बंसूर। नौडरा के बाद की अच्छी बात यह है कि आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऑप्शन हैं आपको, चाइनीज़ आपको, एम्बियंस और बहुत सारे मामले जुड़े होते हैं। इसमें अगर बात करूँ तो कबाब जीस है, के बीस है, चिकन स्टिक मिल जाता है, चिकन स्टिक के अलावा आपको मिल जाता है आराम से अल्फ्रेडो पास्ता, तो पिज़्ज़ा, तो मॉकटेल, अभी यहाँ सोडा वाटर भी खुला हुआ है आपको, निहारी आपको, हलीम आपको, जूसेस, ब्रोस, हर चीज़ यहाँ आपको स्पेशली हर किसी न किसी की मिलेगी। साथ साथ आपको यहाँ डोरिजिल पे बड़ी अच्छी कढ़ाई मिल जाती है, तो सबकी अपनी अपनी स्पेशली। अगर आप एक जगह बैठ के भी खाना चाहें तो बैठ के खा सकते हैं, अगर आप अलग अलग जगह के ट्राई करना चाहें तो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये है कि उमर भी लोग कबीर का नाम ले लो और सीना का, हाँ ये तो आप बात सही कह रहे हो भाई, उमर भाई सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल राइट बोला। ये बताएं कि नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद वाली जो फूड स्ट्रीट है, आप लोगों का यहाँ आना हुआ है एल ब्लॉक और एन ब्लॉक के दरमियान ही जो बनी हुई फूड स्ट्रीट, और ये जो हाउस ऑफ कबाब जी खुला है अंडर वन रूफ, यहाँ आना हुआ है अभी रिसेंटली, यहाँ खुला है। और जो हुसैनाबाद का क्या एक कोट आया है, हुसैनाबाद क्या बहुत आउटस्टैंडिंग फूड स्ट्रीट है, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, मगर बात सारी है कि वहाँ आ जाती है बात पार्किंग की। पार्किंग अगर आप हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट जाना चाह रहे हैं तो मैं ये बोलूँगा आपको कि यार आप जो है ना पार्क गाड़ी जो पार्क करें फिर या बाइक पार्क करें तो आप मेमन मस्जिद की तरफ करें जहाँ खाई मेमन का स्टॉप बना हुआ है, या फिर आप करें तबाहट की तरफ। और फिर रिकमेंड ये करूँगा कि आप वॉक करके चीज़ें एक्सप्लोर करें और फिर खाएं पिए, क्योंकि अगर आप बाइक और गाड़ी में अंदर घुस गए तो आप पार्किंग के चक्कर में ही घूमते रहेंगे, और फिर होता ये है कि बंदा जो है ना परेशान हो जाता है कि यार क्या करें। तो हालांकि खड्डा मार्केट की फूड स्ट्रीट बड़ी आउटस्टैंडिंग है भाई, वहाँ भी पार्किंग का इशू है, और मैंने देखा कि मेहमानों के एरिया में ज़्यादा जो फूड स्ट्रीट है वो आउटस्टैंडिंग होती है, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, बस जो मार खाता है फूड स्ट्रीट वही खाती है कि वहाँ पार्किंग का इशू आता है, और पार्किंग के अलावा इशू ये आता है कि गंदगी। अरे गंदगी के ताल्लुक है रेस्टोरेंट वालों से भी है और इंतज़ामिया से भी, इंतज़ामिया खैर उठवाती है कचरा सारी चीज़ें, मगर रेस्टोरेंट वालों को भी चाहिए कि अपने जो सामने का कचरा है उसके लिए पूरा एक डब्बा रखे, चीज़ें रखे, ना कि अब रूट पर फेंक दे। वहाँ मैंने अक्सर देखा है कि वहाँ कुछ जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो सामने फेंक देते कचरा, हमारे सामने आंखों देखा है। तो अभी नाम इसलिए नहीं ले रहा कि मेरे पास अभी कोई ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि मैं आपको उनका नाम लेकर बताऊँ, मगर किसी दिन अगर मैं बैठा तो वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर भी। तुमने खुद देखा रेस्टोरेंट वालों को कचरा रोड के ऊपर फेंकते हुए, अभी रेस्टोरेंट वालों की तो गलती नहीं है, वहाँ जो लोग काम करते हैं वो अपनी उजरत में होते हैं, टेंशन में होते हैं, थके हुए होते हैं, रात भर का काम किए हुए होते हैं, वो रोड के ऊपर कचरा फेंक देते हैं। तो ये है अपडेट जो कि मैं लेके आया हूँ नाजमाबाद से
फूड स्ट्रीट की, काशी अली मेरे सामने, कबाब जी मेरे सामने, और इसी रोड पे आगे